खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर लंबे समय से अटकी पड़ी संगठनात्मक नियुक्तियों की शुरुआत हो चुकी है। 100 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि 300 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची आनी शेष है। ऐसा पहली बार हुआ कि जब ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की सूची एक साथ नहीं निकली। सीएम अशोक गहलोत, पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट की विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक घोषित हो चुके हैं। चुनावी साल है, लिहाजा सियासी संगठन की मजबूती जरूरी है। फिर भी राजस्थान में कांग्रेस संगठन फिलहाल विपक्षी दल बीजेपी से पीछे है। बीजेपी में बूथ और पन्ना कार्यकारिणी अस्तित्व में आ चुकी है। वहीं कांग्रेस ने 2.5 साल बाद जाकर 400 में से 100 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाए, वो भी उदयपुर डिक्लेरेशन के कई दिनों बाद। अभी पहली सूची के जरिए कांग्रेस संगठन ने 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। इनमें से सीएम अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा, पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घोषित हो गए। किन मंत्रियों के क्षेत्र में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, इस पर नजर डालें तो मंत्री प्रमोद जैन भाया विधानसभा क्षेत्र अंता मांगरोल को मिले ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री हिमाराम चौधरी विधानसभा क्षेत्र थोरी मन्ना गुड़ामलानी में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री विश्वेंद्र सिंह विधानसभा क्षेत्र डीक और कुम्हेर में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री रामलाल जाट विधानसभा क्षेत्र करेड़ा मांडल सुहाना में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री बीडी कल्ला विधानसभा क्षेत्र बीकानेर वेस्ट ए और वेस्ट बी में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री अशोक चांदना विधानसभा क्षेत्र हिंडोली और नैनवा में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री उदयलाल अंजना विधानसभा क्षेत्र छोटी सादरी निम्बाहीड़ा में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री मुरारीलाल मीणा विधानसभा क्षेत्र दौसा और लवाण में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री ममता भूपेश विधानसभा क्षेत्र भंडारेज और सिकराई में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास विधानसभा क्षेत्र बनी पार्क सिविल लाइन्स में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री लालचंद कटारिया विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा वैशाली नगर में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री साले मोहम्मद विधानसभा क्षेत्र पोकरण और शंकरा में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री ब्रिजेंद्र ओला विधानसभा क्षेत्र डीडवानिया और झुंझुनू में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री टीकाराम जूली विधानसभा क्षेत्र मालाखेड़ा और उमरेड में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री शकुंतला रावत विधानसभा क्षेत्र बांसूर और नारायणपुर में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालविया विधानसभा क्षेत्र आनंदपुरी बागीदोरा में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, मंत्री अर्जुन बामणिया विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा और छोटी सरवन में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी कुचामन और नावा में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित। इन दिग्गजों को मिले ब्लॉक अध्यक्ष। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ नेचवा में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, सचिन पायलट विधानसभा क्षेत्र टोंक शहर और टोंक देहात में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, रघुवीर मीणा सीडब्ल्यूसी सदस्य सलुम्बर और सहाड़ा के ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा, धीरज गुर्जर एआईसीसी सचिव जहाजपुर और कोटड़ी में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, हरीश चौधरी बायतू और परेव को मिले ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीते दिनों बिरला सभागार में कांग्रेस के कार्यक्रम में पुरजोर तरीके से मांग रखी थी कि जिला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घोषित किए जाए, जिससे संगठन को गति मिल सके। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 2 दिनों में ऐलान का दावा किया था, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी कांग्रेस संगठन आगे बढ़ा है। अभी कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया में जो ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी क्रॉप मेंबर और एआईसीसी मेंबर और एआईसीसी क्रॉप मेंबर की फाइनल लिस्ट अभी तैयार हो रही है। जैसे जैसे लिस्ट तैयार होती है वैसे आला कमान उसको सेंशन करता है। आज अभी 100 ब्लॉक के अध्यक्षों का फाइनलाइज करके एआईसीसी से इसका अप्रूवल मिल गया है और आने वाले 2-4 दिन में बाकी का जो भी काम है वो बहुत ही जल्द ही जल्द एआईसीसी मेंबर, एआईसीसी क्रॉप्ट मेंबर और पीसीसी क्रॉप्ट मेंबर का जो लिस्ट है वो भी आला कमान को सौंप के उसमें अप्रूवल मिलते ही जारी किया जाएगा। पीसीसी संगठन की पूरी तस्वीर तब साफ हो पाएगी जब प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी का पूरी तरह गठन हो जाएगा। अभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा बाकी है। पीसीसी को अभी तक इंचार्ज महासचिव की भी तलाश है। चुनावी साल में बिना अनुभवी सेना की गोविंद सिंह टोटासरा सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सूची में आंतरिक सियासत और गुटबाजी साफ तौर पर नजर आई। सचिन पायलट समर्थक विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घोषित होने बाकी है। पायलट समर्थक मंत्रियों को ही फिलहाल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मिले हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।